हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन शेयर मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो अपलोड हो आपको आप सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारी वीडियो अपलोड किया हूँ और ऑलरेडी आगे चल के नई नई वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कई सारी वीडियो अपलोड किया हुआ है उन वीडियो को नहीं देखा है अगर तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नेचुरल गैस में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर नेचुरल गैस में क्या क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, यानी कमोडिटी मार्केट क्या होता है, अलग अलग कमोडिटीज के लॉट साइज, उनकी जो उनमें जो मार्जिन लगता है, ऐसा करके मैंने 2-3 वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोज को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज को देख लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, उन वीडियो को जाकर सबसे पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल गैस में यानी कमोडिटी मार्केट में हम कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है कमोडिटी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट में होता है यानी फ्यूचर और ऑप्शन में होता है। तो यहाँ पे जो है रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आपको ये नहीं पता है डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है तो उसका भी मैंने वीडियो दिया हुआ है और उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उनसे पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, नेचुरल गैस में चीज़ें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल गैस के यूनिट की बात करूंगा। तो यहाँ पे MMBTU इसका यूनिट होता है, यानी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये इसका यूनिट है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं गेहूं चावल तो उसको हम केजी में मेजर करते हैं, यानी किलो में, यानी 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसा मेजर करते हैं, और एक किलो का भाव होता है 20 रुपये 25 रुपये। इसी तरह से यहाँ पे जो गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, इसको हम MMBTU में मेजर करते हैं, यानी 1 MMBTU का भाव होता है। ओके, तो ये होता है यूनिट। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लॉट साइज की बात करेंगे तो नेचुरल गैस का जो लॉट साइज होता है 1250 का होता है। अगर आपको लॉट साइज नहीं समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है ये देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो इसका लॉट साइज होता है नेचुरल गैस का 1250 का लॉट साइज होता है। इसकी जो प्राइस की बात करेंगे, करेंटली जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 200 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। नॉर्मल ये प्राइस चेंज होता रहता है, नॉर्मली ये 130 से लेकर 350 तक का प्राइस ये जा चुका है, तो ये प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन करेंट प्राइस में 200 के आसपास इसका चल रहा है। अगर फ्रेंड्स का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, लॉट साइज इंटू करेंट प्राइस, यानी 200 का भाव चल रहा है और 1250 का लॉट साइज है, तो करीब करीब 2.5 लाख रुपए का इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आएगा। यानी फ्रेंड्स, ये जो 200 का भाव है अभी, ये जो है 1 MMBTU का भाव है, 1 MMBTU नेचुरल गैस का भाव है 200 रुपए। यानी आप जब खरीदने जा रहे हो तो 1250 का पूरा एक लॉट खरीदना पड़ता है, उसके लिए जो टोटल पैसा लगता है 2.5 लाख रुपए लगता है। ओके, 2,50,000 रुपए लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप जो है 2,50,000 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है, यानी 2,50,000 रुपए लगता है एक लॉट खरीदने के लिए। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा हमको एक मार्जिन भरना पड़ता है किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। तो वही चीज है कमोडिटी मार्केट में, जब कोई भी आप कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नेचुरल गैस की मार्जिन की अगर हम बात करें तो डिलीवरी में करीब करीब 50,000 के आसपास एक लॉट लेने के लिए लगता है। यानी अगर एक लॉट आपको नेचुरल गैस खरीदना है वो भी डिलीवरी में, यानी एक महीना या फिर अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तीसरे महीने कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली 50,000 के आसपास मार्जिन लगता है। यानी आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये रहेगा तो आप डिलीवरी में नेचुरल गैस को एक लॉट
खरीद सकते हैं। ये मार्जिन फ्रेंड्स कभी चेंज होता रहता है क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी मैंने मार्जिन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैसे चेंज होता रहता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन क्या होता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली 50,000 रुपये लगता है। अभी ये अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग मार्जिन होता है। ओके, वैसे नॉर्मली अभी सेबी ने मार्जिन को कांस्टेंट कर दिया है तो नॉर्मली सभी ब्रोकर में सेम मार्जिन ऑलमोस्ट लग रहा है। ओके, तो आप जिस भी डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी में नेचुरल गैस को बाय करने के लिए कितना लगता है। इसी तरह से इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे तो इंट्राडे में करीब करीब 12,000 से 15,000 रुपये एक लॉट को लेने के लिए लगता है। यानी अगर 2.5 लाख का आपको नेचुरल गैस यानी एक लॉट खरीदना है तो इंट्राडे में करीब करीब 12,000 या 15,000 या फिर किसी किसी में 20,000 लग सकता है, या फिर कोई डिस्काउंट ब्रोकर है जैसे जीरोधा हो गया तो यहाँ पे आपको 25,000 से 30,000 रुपए भी लग सकता है। तो ये अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग लगता है इंट्राडे में। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है आपको 15,000 रुपए में एक लॉट आ जाता है नेचुरल गैस। यानी आप 15,000 रुपए लगा के एक लॉट यानी 1,250 का लॉट नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। अभी फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि इसमें आप पैसे कैसे और कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहां पे नेचुरल गैस की, मान लो आपने एक लॉट नेचुरल गैस का बाई किया जिसका लॉट साइज है 1,250 का, यानी और जो भाव चल रहा है 200 का, यानी 200 का भाव चल रहा है और आपने एक लॉट बाई कर लिया जो कि 1,250 का लॉट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे होगा, कितना होगा, मान लो अभी ये 1 रुपये से बढ़ गया, 1 रुपये से इसका भाव ऊपर चला गया यानी 200 रुपये की जगह पे 201 हो गया इसका भाव, तो आपको 1,250 रुपये का फायदा होगा। यानी अगर आपने 200 में लिया और प्राइस 201 रुपये हो गया तो आपको 1,250 रुपये का फायदा होगा। अगर ऐसे ही फ्रेंड्स ये 3 रुपये इसका भाव हो गया तो आपको 3,750 का फायदा हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर इसका भाव 10 रुपये प्लस हो गया यानी 200 में लिया 210 चला गया तो इसका जो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 12,500 रुपये। और फ्रेंड्स इसका मैं मोमेंट्स बता दूं यानी डेली ये कितना ऊपर नीचे होता है, तो इसके मोमेंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स 6 रुपये से लेके 12 रुपये तक इसका मोमेंट नॉर्मली रहता है। कभी कभार 15 से 20 रुपये भी होता है लेकिन नॉर्मली जो इसका मोमेंट है 6 से 12 रुपये के आसपास इसका मोमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो 10 रुपये का मोमेंट होता है तो आप 12,500 रुपये मैक्सिमम यहाँ से आप कमा सकते हैं। आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं एक लॉट के पीछे। तो फ्रेंड्स यानी अगर आपने 15,000 रुपये लगा के एक नेचुरल गैस लिया तो आप 10 से 12,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना जितना मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ उसी रेशियो में रिस्क भी है। अगर यही चीज़ उल्टा चलता है, अगर रिवर्स आता है नीचे आता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, डेरिवेटिव मार्केट में एक और फायदा होता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में। तो क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट में होता है नेचुरल गैस, तो इसमें आप जो है डिलीवरी या फिर इंट्राडे में फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं फ्यूचर की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको जो है शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है अगर ये इसका प्राइस अभी नीचे आने वाला है तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये नहीं मालूम है तो इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके या बाइंग करके दोनों तरफ पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये मालूम चलना चाहिए कि ये भी ये भाव ऊपर जाने वाला है या फिर भाव नीचे आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी जो मुझे नेचुरल गैस में आपको देनी थी कि आप एक लॉट पीछे नहीं 15,000 रुपये लगा के आप नेचुरल गैस से कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका चार्ट, मैंने ये मंथली चार्ट ले रखा है, मंथली चार्ट का एक मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। नॉर्मली जो है यहाँ पे देखो ये करीब करीब 600 का हाई बनाया है और यहाँ पे 120 का आसपास ये लो बनाया है। यानी ये नॉर्मली अभी तक जो कई बार लो बनाया है, अभी रिसेंटली ये जो लॉकडाउन में भी लो बनाया था 120 के आसपास ये लो बनाया था और उसके बाद ये 200 के आसपास इसका भाव जो है अभी जाता है 200 या 300 के आसपास। तो अभी करंट में इसका 200 पाई भाव चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका हम थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम चार्ट में आ जाते हैं।
यहाँ पे जीरोधा में इसको ओपन कर लिया है, नेचुरल गैस को यहाँ पे जीरोधा में नेचुरल गैस का फ्यूचर ओपन कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी मदद मिल जाएगी कमोडिटी मार्केट या इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ भी सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से आपको इस ट्रेडिंग करने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर और भी जो भी जानकारी चाहिए लर्निंग करना है वो भी सपोर्ट हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो हमारे अकाउंट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमें फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर रखा है। अभी मैं यहां पे सबसे पहले तो वन डे चार्ट लगा लेता हूं। तो यहां फ्रेंड्स देखिए वन डे चार्ट लगा लिया है और फ्रेंड्स मैं नेचुरल गैस के बारे में एक चीज बता दूं, अगर आप पिवोट पॉइंट यानी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताता है पिवोट पॉइंट लगा के काम करते हैं तो नेचुरल गैस में काफी मदद मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैंने यहां पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे यहां पे मैंने पिवोट पॉइंट लगा लिया है। अभी यहां पे आप देखेंगे तो नेचुरल गैस जो है पिवोट पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा काम करता है। तो मैं अभी हमको मान लो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो हम इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली हम इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके काम कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने दो मूविंग एवरेज लगा रखा है। आप ऐसा मूविंग एवरेज लगा के नहीं, देखिए यहां पे जैसे यहां पे बाइंग का दिया हुआ है, आप जैसे यहां पे बाइंग का सिग्नल आता है यानी ये दोनों क्रॉस ओवर देते हैं, यानी ये जो मूविंग एवरेज है इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आप यहां से बाई कर सकते हैं। जैसे ही क्रॉस किया आप इस कैंडल में बाई करिए, देखिए यहां से कितना ये ऊपर गया। उसके बाद फिर जैसे ही यहां पे देखो सेल का सेल दिया यानी जो मूविंग एवरेज है नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया ग्रीन वाला, देखो ये जो मूविंग एवरेज है क्रॉस किया और यहां पे ये नीचे आ गया। तो आप ऐसा मूविंग एवरेज लगा के भी क्रॉस ओवर देख के बाई सेल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो नेचुरल गैस है ये टेक्निकली बहुत अच्छा काम करता है, यानी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट रीडिंग करना आता है, कैंडल रीडिंग करना आता है और कैंडलिस्टिक पैटर्न आपको अगर मालूम है तो आप नेचुरल गैस में पैसे कमा सकते हैं। यानी सबसे पहला हो गया आप ऐसे मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, दो क्रॉस ओवर देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे पिवोट पॉइंट लगा सकते हैं, पिवोट पॉइंट के बेसिस पे अच्छा खासा काम करता है। उसके बाद जो है आपको कैंडल पैटर्न को सीखना है, कैंडल पैटर्न अगर आपको आता है तो उस पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, पहला देखिए यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे पिवोट लाइन के ऊपर गया और यहाँ से ये ऊपर गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जैसे वापस से मार्केट देखो यहाँ से नीचे गिरा, बराबर यहाँ से पिवोट पॉइंट के टच किया और यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद फ्रेंड्स और भी हम यहाँ देखेंगे, और नॉर्मली फ्रेंड्स जब भी हम नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा मोमेंट नहीं मिलता है, तो सुबह के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। नॉर्मली 5 या 6 बजे के बाद इसमें आप ट्रेडिंग करना चाहिए, शाम को 5-6 बजे के बाद। देखिए जैसे यहाँ पे देखो पिवोट पॉइंट को जैसे यहाँ पे टच किया पिवोट पॉइंट नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट को टच किया सपोर्ट के बाद ऊपर आ गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स और देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्ट को देखिए टच किया, सपोर्ट को जैसे यहाँ से नीचे आया सपोर्ट को टच किया यहाँ ऊपर चला गया। अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर सुबह सुबह मार्केट ओपन और हाई और ओपन इज इक्वल टू हाई इसके ऊपर एक वीडियो दिया है, उसका लिंक भी दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह का पहला कैंडल है 9 बजे का, अभी देखिए इसका जो ओपनिंग हुआ है ओपन इज इक्वल टू हाई यानी जिस भाव में ओपन हुआ है वही उसका हाई रहा है सुबह का 15 मिनट का कैंडल, यानी 9 बजे से लेकर 9:15 तक का कैंडल अगर ओपन और हाई देता है तो आप अगले कैंडल पे सेल कर सकते हैं और इसका जो हाई रहेगा ये आपको ऐसे लगाना होगा। और यहां पे जो भी कुछ पॉइंट मिले आप 1-2 पॉइंट आप बुक कर सकते हैं। देखो इस कैंडल के बाद ये ओपन इज इक्वल टू हाई था, यहां पे इस कैंडल पे सेल किया, अभी यहां से ये लो बनाया सपोर्ट लिया यहां से ऊपर गया। इसी तरह से हम अगले दिन का मार्केट देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी सेम देखो ओपन इज इक्वल टू लो बनाया एक कैंडल, लेकिन काफी बड़ा कैंडल बन गया है तो रिस्क भी ज्यादा है, तो बड़े कैंडल पे आप रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स और हम देखते हैं यहाँ पे आगे आके, यहाँ पे देखिए जैसे ये कैंडल बहुत छोटा सा है, ये भी सुबह 9 बजे कैंडल है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई है, तो यहाँ पे देखिए अगले कैंडल पे सेल करिए यही आपका एसएल रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होता है इसलिए आपको ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है। हाँ अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप प्रॉफिट ज्यादा बुक कर, जैसे यहाँ पे देखिए ये अभी तक हाई को कहीं भी यहाँ पे टच नहीं किया, थोड़ा ऊपर लिया लेकिन ये हाई को टच नहीं किया और एसएल बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे 193.7 पे आपने आपकी एंट्री होगी,
193.6 पे, और जो एसएल बनेगा 194.5 पे, यानी करीब करीब 1 पॉइंट का या 0.9 का आपका एसएल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको 191 का टारगेट मिल गया, यानी 191 से भी नीचे यहाँ पे आया है। तो आपको नियर अबाउट यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट के आसपास, 3.5 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसी तरह से मैक्सिमम जो है इस पे काम करता है, तो आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। सुबह जो है 9 बजे आप देखना है, 9 बजे से लेकर 9:15 तक ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, अगर यहाँ पे मैच हो जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम काम करता है। या फिर आप एक कैंडल पैटर्न होता है मारू बोजू, यानी इसको मारू बोजू भी बोलते हैं। तो जैसे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल पे मारू बोजू बना है, यानी 9:45 पे, यानी इस कैंडल पे देखिए ओपन इज इक्वल टू लो है और यहाँ पे पिवोट पॉइंट भी है। तो यहाँ पे जैसे ही देखो ये बना, आप अगले कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, यही आपका एसएल रहेगा। ओके, यानी 198.6 का एसएल है और 199.3 का आपका एंट्री रहेगा। 199.3 और 198.6, अराउंड अराउंड आपका 70-80 पैसे का एसएल आता है, और यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न है और जो पिवोट पॉइंट है और जो ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल टू लो है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने का नेचुरल गैस में। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये एक बना मारू बोजू कैंडल, अभी ये मारू बोजू कैंडल पे आप एंट्री करिए, इस कैंडल में कहीं एंट्री करिए और यहाँ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, हालांकि ये जो कैंडल है इसके लो को तोड़ दिया है, तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपके इस कैंडल का लो है उससे थोड़ा सा नीचे ऐसे लगाएंगे। अभी कितना लगाएंगे वो आपको एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, आप अगर लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे ये एसएल हिट कर सकता है। वही बोल रहा हूँ, हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको काम करेगा, और जितना छोटा आपको मारू बोजू मिलता है उतना छोटा अच्छा। जैसे फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो अभी ये जो कैंडल बना, ये सुबह 9 बजे का है, यानी ओपन इज इक्वल टू लो है, ओपन इज इक्वल टू लो है यहाँ पे, और कितने पॉइंट का है यहाँ पे देखिए, 191 का लो है इसका, और आपकी एंट्री कहाँ होगी, अगले कैंडल पे, या फिर आप इसके आपका जैसे इसके हाई का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यानी इसके हाई पे एक बाई लगा के रख सकते हैं, और उसके बाद जैसे हाई ब्रेक करेगा यहाँ देखो ऊपर गया, तो मान लिया, या फिर आप अगले कैंडल पे एंट्री कर लिया 191.5 पे और 191 का एसएल रहेगा, तो 50 पैसे का एसएल है। देखो टारगेट कितना बड़ा मिल गया, 198, करीब करीब 8 पॉइंट का मिल गया, यानी 8-10 हजार रुपये आप कमा सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरह से जिस दिन ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है उस दिन आप अच्छा खासे पैसे एनजी में, यानी नेचुरल गैस में कमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये कैंडल थोड़ा काफी बड़ा बन गया है, लेकिन है कौन सा, वही ओपन इज इक्वल टू लो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन बड़ी कैंडल है इसलिए रिस्क यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है सुबह सुबह देखिए, अगर आपको मारू बोजू, जैसे यहाँ पे देखो मारू बोजू बन गया, यहाँ प्रॉफिट मिला, मारू बोजू बन गया, या फिर हैमर बनता है, या फिर हरामी बनता है, ऐसा 3-4 कैंडल्स है। कौन कौन सा, मारू बोजू, हरामी, और जो हैमर और पिवोट पॉइंट, ये 3-4 चीजें नेचुरल गैस में आपको काफी अच्छे खासा सपोर्ट देता है। जैसे यहाँ पे देखो ये डोजी बन गया, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अभी ये डोजी बन गया और यहाँ देखो गिर गया। तो कैंडल पैटर्न जो है नेचुरल गैस में काफी अच्छी तरीके से काम करता है, आपको बस थोड़ा सा कैंडल पैटर्न जानने की जरूरत है और उसका एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। जैसे आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से क्रॉसओवर दिया, यहाँ से बाइंग आ गया और यहाँ देखो ऊपर 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 गया मार्केट। तो टेक्निकली अगर आप नेचुरल गैस में काम करते हो, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होती है नेचुरल गैस में, लेकिन अगर आप टेक्निकली काम करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नेचुरल गैस में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी नेचुरल गैस के बारे में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।